हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बिना देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, काफ़ी टाइम बाद सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए बहुत प्यारी तरीके से। और भाई साहब, धूप निकल रही है, चारों ओर उजाला छा गया है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पर मैं रील्स भी बना सकता हूँ खड़ा होकर अपने ऐसी इस तरीके से करके, बट अभी नहीं, बाद में। अब तो धूप रहेगी, अब तो कहीं नहीं जाएगी भाई धूप। चलो, अभी एक ब्लॉग डाला है और खाना पीना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मम्मी आईफोन दिला दो। मम्मी नहीं बोलने वाली कुछ, क्योंकि मम्मी का वाला ब्लॉग जो था ना, वो मैंने डाला है, तो मम्मी उसे देख के खुंदक में हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस, अभी खा रहे हम दाल चावल गर्मा गर्म। और मैं बता रहा हूँ, ये काली वाली जो दाल है ना, इसे बने हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने कल बनवाई थी, तो कल बनी थी दाल। मेरे को लाल वाली जो होती है वो वाली अच्छी लगती है, और ये वाली भी अच्छी लगती है। आप तो जा रहे हो पेपर दिलवाने के लिए, यार मेरा भी कॉलेज में एडमिशन करा दो, करवा दो कहीं से 8,000 रुपए। मेरा ही बहुत मन है यार कॉलेज लाइफ जीने का। मैं बस पैसों की, गाइस मैं बस पैसों की वजह से रुका पड़ा था कॉलेज के लिए, मैंने इसलिए एडमिशन ले लिया, सही बता रहा हूँ। और सब मेरे को ट्रोल करते हैं कि तूने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। देखो, हर बंदे का सपना होता है स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ जीने का, ठीक है, बट थोड़ा सा सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, तो भाई सब ये सब देखना पड़ता है भाई, सोचना पड़ता है, ठीक है। मैं काफ़ी सारी गलतियाँ हैं जो दोबारा नहीं दोहराना चाहता, पैसे इतने वेस्ट हुए हैं, मैं उन बातों को छेड़ना ही नहीं चाहता भाई। वो बस लाइफ का वो था, वो ठोकर दोबारा नहीं खानी है, जो गलती हुई है ना, पैसे जहाँ पे हमने कितने मम्मी टोटल भाई साहब 2 बार। मैं भाई किसी को भी ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी के पास भी कोई ऐसा बंदा है ना कि भाई इतने पैसे भर दे उतने पैसे भर दे, तो एक बार मेरे से आके मिल लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और ट्रस्ट करके देखना एक बार इस बात पे, ठीक है। तो तू बन पढ़ने वाला, देख एडमिशन तेरा भी करवाते हैं, देख लो। यही तो नहीं पता, यही तो नहीं पता कि भाई मेरे को पढ़ने का कितना शौक है। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं जब भी पढ़ लेता हूँ, कोई ना कोई सी बुक पढ़ता रहता हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि मैं एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, और एक्टिंग में तो भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं सबको समझाता रहता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने हवा बना रखा है कि पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं करता, बस वीडियो में घुसा रहता है, यूट्यूब में घुसा रहता है, यही बनाता रहता है, यही करता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। लेकिन उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि बिना पढ़ाई के, बिना कुछ सीखे करे, बिना इमेजिन किए, बिना कुछ, कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी भाई नहीं समझा सकते हम किसी को, नहीं समझा सकते, हमें अपना काम साइलेंट होके चुपचाप करना पड़ेगा। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, बस मैं हंस के थोड़ा सा रिप्लाई कर देता हूँ कि जो होगा आपके सामने होगा। तो चलो गाइस, अभी मैंने फ़िलहाल बेडशीट अपनी ठीक कर दी है, और अभी मैं थोड़ा सा घर में सफाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मम्मी का ऑर्डर है, मम्मी बोल के गई है कि बेटा घर में थोड़ा सा काम करके चला जा बाहर को, वीडियो बनाने जहाँ भी जाना है, तो मैं वही कर रहा हूँ भाई। बाय द वे गाइस, ये देखो, ये पता नहीं दादी ने बनाई थी, हाँ दादी ने बनाई थी मेरी, तो इस पर किसका नाम लिखा हुआ है इस जर्सी पे, जब मैं छोटा सा था ना जब बनाई थी, और अभी तक आएगी ये मेरे, बस थोड़ी सी टाइट आएगी, तो कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे। किसी हर्ष नाम के लड़के को चाहिए तो भाई ले लेना, ठीक है, बस संभाल के रखनी पड़ेगी किसी और हर्ष को देने के लिए, बस यही कहना था। तो अब लगा रहा हूँ गाइस मैं झाड़ू, शर्माना नहीं चाहिए। अब चलते हैं, मैंने काम वाम कर लिया, अब चलते हैं बाहर वीडियो शूट करने के लिए, और थोड़ा सा घूम भी लेंगे। तो गाइस लोग खेल रहे बेटा, तूने मेरा दोस्त जगा, जो दोस्त दोस्त क्या हो, जोश जगा दिया। इसको भी दिखूं? किसको? इसको क्यों नहीं? ये क्या, इसका मुंह काट दिया था इसको, इसको ना पैर ले ले, पैर ले, पैर ले ले, पैर ले ले, मुझे दिखा दे, चरण स्पर्श करवा दे, दिखाओ। तब गाइस बाहर तो आ गया, लेकिन साथ में कोई नहीं है। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ अभी पैसिफिक मॉल में, ऐसे टाइम पास करने के लिए। थोड़ा सा डायरी लाया हूँ, डायरी में स्क्रिप्ट वगैरह लिख लूँगा, वीडियो के बारे में लिख लूँगा, प्लान कर लूँगा थोड़ा सा बैठ के अकेले में, सही है।
गाइस मैं तो अकेला ही भटक रहा हूँ भाई। और हाँ यहाँ से खुल जा गेट। अकेले घूमने में भाई अलग ही मज़ा है, सही में मजाक सेट के। और भाई मैं ये हमेशा दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने KGF की सीरीज शूट करी थी, और उसके ऊपर देखो भाई साहब क्या सनसेट हुआ पड़ा है, खतरनाक है यार। गंदी क्वालिटी आती है मेरे फ़ोन में, बहुत गंदी है। अभी मेरे को एक भाई मिले थे रैंडमली, तो बातचीत हुई थोड़ी बहुत, और ये भाई वीडियो एडिटर है, और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अभी थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी होगी, तो भाई काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। जी भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लॉग में डाल दूँ ना? बिल्कुल डाल देना। चलो मिलते हैं, लाइक कर देना दोस्तों सारी वीडियो। भाई सब तुम ही बताओ, आधी ठंड हो रही है और आधी गर्मी हो रही है, तो मैं क्या करूँ यार, आधी गर्मी लग रही है आधी ठंड लग रही है, तो मैंने ऐसे कर लिया, आधी जैकेट यहाँ पहन ली और इधर ऐसी छोड़ दिया। तो चलो गाइस लास्ट में ब्लॉग एंड करते करते एक मोटिवेशन सेशन चलाते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, सिर्फ एक मिनट का, ठीक है? थोड़ा सा ऊंच नीच भी हो जाए तो कर लेना एडजस्ट। तो देखो गाइस ज्यादातर ये होता है कि जब कोई बंदा कुछ उखाड़ लेता है ना, उसे लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और उसकी स्टोरीज वगैरह ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उसकी बायोग्राफी वगैरह ज्यादा देखना लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब तक बंदा मतलब कुछ कर छोटी मोटी चीज बताता रहे, गिनवाता रहे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ इस बात को, ठीक है? मैंने नोटिस करी है। और हाँ यार, जब तक कुछ नहीं होगा ना, जब तक अपने बारे में कुछ बोलना ही नहीं, चुपचाप बस काम करना है, चुपचाप बहुत साइलेंटली काम करना है। जिस दिन कुछ बूम फटेगा ना, तो उस दिन सबको पता चलेगा। एक चीज और है, ऐसे एकदम से उठते हैं ना, तो मतलब नीचे भी बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक चीज और देखी यार, कि जो लोग धीरे 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 करके वो चलते हैं ना लेके अपने साथ लोगों को, तो वो एंड तक साथ में बने रहते हैं। जब तक बंदा कुछ कर रहा है ना, तो जब तक उसके साथ खड़े रहते हैं, और जब खुद बंदा हार मान जाए ना, तब उसका साथ छोड़ा जाता है। तो बस वही चीज है, बाकी बस दम चाहिए कुछ करने के लिए आगे। बाकी जो सपोर्टर्स हैं इतने सारे, तो वो सपोर्ट करेंगे ही, प्यार करेंगे, मुझे पता है। पहले मेरे साथ थोड़े लोग थे, अब थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, और आगे चल के भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो बढ़ने हैं यार, अभी तो बस, तो मतलब अभी तो भाई बढ़ने हैं, अभी इसकी गिनती रुकने नहीं वाली है, सब्सक्राइबर्स की गिनती रुकने वाली है। और सब्सक्राइबर छोड़ो, जो लोग मेरे वीडियोज़ डेली देख रहे हैं भाई साहब, वो कर रहे हैं मेरे से असली प्यार। मतलब उनका प्यार भी देखो कैसा है, कि मुझे बता नहीं रहे, ना कमेंट करके बता रहे, ना मिल के बता रहे, ना ऐसा, मतलब कई लोग तो ऐसे कि व्लॉग देखते हैं और मेरे सामने से निकल जाते हैं, वही सोचते हैं कि इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ मुझे सही में नहीं पता चलता। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो मेरे व्लॉग देखते हैं और चुपचाप से मेरे सामने से निकल जाते हैं, या ये वो, बस बताते नहीं है मुझे कि हाँ हम भी तेरे व्लॉग देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्यार है उनका, अपने अंदर अंदर बात को रखते हैं, मतलब मेरे सामने गाते नहीं है चीजों को। तो गाइस चलो इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ख्याल रखना अपना, बाय बाय, गुड नाइट।